एमएस यूनिवर्सिटी में ई प्रमाणपत्र लॉन्चिंग कार्यक्रम योजा। एमएस यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों ने तकलीफों न पड़े, विद्यार्थियों ने घर बैठा पोताना प्रमाणपत्र मिली शके ते माटे एमएस यूनिवर्सिटी निष्णातोए आत्मनिर्भर बनी एक सॉफ्टवेर निर्माण कर्यु हतु। एमएस यूनिवर्सिटी आईएस नी टीमें आ कामगिरी करी छे, जे बाद ई प्रमाणपत्र पोर्टल लॉन्च करवामां आव्युं छे। एमएस यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस खाते वाइस चांसेलर प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा ई प्रमाणपत्र लॉन्चिंग करायु हतु। आ कार्यक्रम प्रसंगे रजिस्ट्रार डॉक्टर के एम चुड़ासमा यूनिवर्सिटी की तमाम फेकल्टी की उपस्थिति वच्चे ई प्रमाणपत्र पोर्टल लॉन्चिंग करायु हतु, जे संदर्भे वाइस चांसेलर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा माहिती आपी हती। आपको जैसा कि मालूम है कि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एक विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम लोग विद्यार्थियों को अनेक तरह की सुविधाओं देने का प्रयत्न करते हैं। ये आज जिस पोर्टल का हम लोग लॉन्चिंग कर रहे हैं उसका नाम है ई प्रमाण पत्र। ई प्रमाण पत्र का मतलब है कि किसी भी विद्यार्थी को अभी फिजिकली यूनिवर्सिटी में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हमेशा से ये आग्रह रहा है कि डिजिटल इंडिया कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, यानी जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग बच्चों तक पहुंचा सकें, डिजिटली बच्चों तक पहुंचा सकें, उतना अच्छा है। तो हम लोगों ने भी पिछले लगभग 6-7 महीने से ये संकल्प लिया था कि हम लोग यूनिवर्सिटी में पूरे जो जितने भी तरह के प्रमाण पत्र हैं, हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उनको हम लोग बच्चों को ऑनलाइन ही प्रोवाइड करें, वो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करें और ऑनलाइन ही हम लोग उनको सारे सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करें। तो हमको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि हमारा एमएससीयू आईएएस का जो टीम है, जिसमें हमारे अपूर्व भाई और विरल भाई कापड़िया उसका नेतृत्व करते हैं, इन लोगों ने पूरा ये सॉफ्टवेयर इनहाउस बनाया है। मतलब उसमें पूरी तरह से हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उस तरह से पूरा जो सॉफ्टवेयर है पूरा आत्मनिर्भर है। इसमें किसी से हम लोगों ने बाहर से मदद नहीं लिया, पूरा हमारे एमएससीयू आईएएस की टीम ने दिन रात काम करके हमारे सारे डिपार्टमेंट से, हमारे सारे डीन्स के साथ में बातचीत करके किस किस तरह के सर्टिफिकेट्स हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं उसका पूरा किया, उसकी टेस्टिंग किया और आज हम लोग इस पोर्टल का जो है लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हम लोग कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग सारे विद्यार्थियों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट इस ई पोर्टल के माध्यम से दे सकेंगे। इसके अलावा जो भी स्पेशल सर्टिफिकेट्स की बच्चों को ज़रूरत है वो हम लोग दे सकेंगे। इसमें बच्चे एप्लीकेशन फॉर नो बैकलॉग सर्टिफिकेट, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मांगा जाता है कि आपका कोई बैकलॉग है क्या, तो वो भी सर्टिफिकेट हम लोग इसमें से इसी पोर्टल के माध्यम से दे सकेंगे। साथ ही हम लोग पासिंग सर्टिफिकेट, कई बार उसको सर्टिफिकेट डिग्री मिलने में देर होता है तो उस समय दूसरी जगह जहां उनको एडमिशन लेना है वहां पर पासिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, तो हम लोग उनको ये पासिंग सर्टिफिकेट भी इसी पोर्टल के माध्यम से देंगे। पांचवा सर्टिफिकेट हम लोग उसको अटेम्प्ट सर्टिफिकेट देंगे, मीन्स कितने अटेम्प्ट में उसने अपना ग्रेजुएशन पास किया या कितने अटेम्प्ट में उसने पर्टिकुलर ईयर का अपना जो भी करिकुलम था उसको पास किया, वो भी हम लोग ऑनलाइन दे सकेंगे। साथ में हम लोग एप्लीकेशन फॉर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस सर्टिफिकेट भी दे सकेंगे, किस मीडियम में उसने इंस्ट्रक्शंस यहाँ से लिया, वो गुजराती मीडियम से था, फिर उसके बाद यहाँ पर आके इंग्लिश मीडियम में हुआ, वो सारी बातों की जानकारी भी हम लोग दे सकेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर रैंक सर्टिफिकेट, मतलब बच्चों का क्लास में कौन सा रैंक है, तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि टॉप 3 नहीं बल्कि हम लोग टॉप 5 रैंक जो भी बच्चों का जिस भी कोर्स में पर्टिकुलर ईयर में है उसकी डिग्री कोर्स में है वो हम लोग 5 बच्चों को वो रैंकिंग सर्टिफिकेट भी इसी पोर्टल के माध्यम से देंगे। इसके अलावा हम लोग मेडिसिन सर्टिफिकेट मींस मेडिसिन फैकल्टी की अगर बात करें तो मेडिसिन फैकल्टी को भी हम लोग पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ से यूनिवर्सिटी से देंगे, क्योंकि वो भी जो बच्चे MBBS करते हैं उनको आगे जा करके कुछ अपना MD या PG करना रहता है, उस जगह पे भी उनको एप्लीकेशन के टाइम पर ही पासिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम लोग फैकल्टी फॉर मेडिसिन के लिए भी स्पेशल सर्टिफिकेशन जो भी उनको आवश्यकता है वो भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये एक डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आग्रह रहता है उसको हम लोगों ने पूरी तरह से संकलित करने का एक प्रयास किया है कि पूरी यूनिवर्सिटी में, इससे आप देखेंगे विद्यार्थियों का जो आवागमन है वो भी नहीं होगा, उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे ही अप्लाई किया, उनको सीधे ये सर्टिफिकेट मिल गए। तो ये एमएस यूनिवर्सिटी का एक जो पहल रहता है हमेशा कि विद्यार्थियों को किस तरह से हम लोग सुविधा प्रदान कर सकें, कैसे उनको फैसिलिटेट कर सकें, तो ये फैसिलिटेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें हमारे यहाँ पढ़ रहे सारे 55,000 विद्यार्थियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि विद्यार्थियों को इस पोर्टल के माध्यम से जो उनका समय
व्यतीत होता था आने जाने में, वो समय बचेगा और उस समय का उपयोग निश्चित रूप से वो अपने अध्ययन कार्य में करेंगे। धन्यवाद। समाचारोना सतत अपडेट मेळवा माटे लोकमत न्यूज ने यूट्यूब ऊपर सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबावो अने अमारी साथे जोड़ाई रहो फेसबुक, इंस्टाग्राम अने ट्विटर ऊपर।